नीमच जिले में अतिवृष्टि से हो रही नुकसानी और मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। आज मनासा तहसील के बामनी गांव में एक युवक की अकाल मौत हो गई। यह मौत उस समय हुई जब बामनी गांव का पूरन बावरी नामक व्यक्ति अपने ही खेत पर सोयाबीन काटने का काम कर रहा था। तभी खेत में विद्युत लाइन का तार टूट गया और खेत में पानी भरा होने के चलते करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आने से पूरन की अकाल मौत हो गई। हमारे रिपोर्टर बद्रीलाल गुर्जर के अनुसार पूरन पिछले महीने की 22 तारीख को खेत में तार व खंबा टूटने की सूचना लाइनमैन को दी गई थी। हमारे रिपोर्टर बद्रीलाल गुर्जर के अनुसार बीती 22 तारीख को गांव के लोगों ने बिजली विभाग को सूचित किया था कि बिजली का खंबा और तार टूटे हुए हैं, जिसे जोड़ा जाए, लेकिन ग्रामीणों की सूचना के बावजूद सुस्त बिजली विभाग नहीं जागा, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज गांव में पूरन बावरी की अकाल मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली बोर्ड के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए। देखिए, कल हमें जो सूचना मिली है व्हाट्सएप के जरिए, हमें सूचना मिली कि गांव बामनी में जो हादसा हुआ है उसको लेकर हम आज आए हैं यहाँ पे। हमने खेत पे ऑन द स्पॉट अभी यहीं पे खड़े हम आपके सामने देख रहे हैं कि बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। सिर्फ लापरवाही नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इन्होंने जो ऑलरेडी 22 तारीख के बता रहा है कि इन्होंने सूचना कर रखी थी, मंजूर खान करके जो लाइन मैन है इनका, जो यहाँ पे चार्ज इंचार्ज है, उसको इन्होंने खबर कर रखी थी यहाँ के किसानों ने। साथ में जो 22 तारीख से लेकर उसका इन्होंने व्हाट्सअप भी किया, व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट भी हमारे पास है, इन्होंने बिल्कुल व्हाट्सअप कर रखा है इसमें। लेकिन अभी तक विद्युत विभाग की तरफ से जो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, पानी की वजह से अगर वो थम्बेस ठीक नहीं कर सकते थे, लेकिन लाइट को तो काट सकते थे, लेकिन उन्होंने ना ही लाइट की सप्लाई बंद करी, जिसकी वजह से आज कल एक किसान ने, बावनी किसान, आज 16 वर्षीय अपने बालक को खो दिया। ये ऐसा हादसा किसानों के साथ में, इस गाँव में जब हम आए तो यहाँ पर पता चला कि ऐसा लाइनमैन आए दिन कहीं बहुत सारी लापरवाही करता है, कोई ध्यान नहीं देता है लाइनमैन की, तो इसमें कहीं ना कहीं बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है और इसका सारी जिम्मेदारी बिजली विभाग की है। और अभी तक जो शासन प्रशासन की तरफ से जो बंदे कोई भी यहाँ पे आया नहीं है कि अधिकारी वगैरह इसके जो मृत के घर पे उसके जानकारी लेने के लिए, अभी तक यही हालात। और 100 नंबर आई थी, अभी तक की जो स्थिति है उसमें भी ये जैसे तार पड़े हुए हैं, एज इट इज रखे हुए पड़े हुए हैं। हम ऑन द स्पॉट मुआयना यहाँ पे खेत पे ही खड़े होके आपसे बात कर रहे हैं इस विषय पे। मनासा से वॉइस ऑफ MP के लिए बद्रीलाल गुर्जर की रिपोर्ट।